दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टोरी बिहाइंड स्टोरी को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी बिहाइंड स्टोरी में। दोस्तों आज बात करते हैं क्रिकेट से जुड़े एक अनोखे ऐसे किस्से की जो वास्तव में सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है। दोस्तों क्रिकेट चाहे भारत हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, क्रिकेट का अपना ही एक अलग अंदाज और एक अपना ही अनूठा जुनून होता है। दोस्तों क्रिकेट भारत में ना केवल एक खेल है बल्कि इसे एक धर्म के रूप में भी जाना जाता है। आज भारत में क्रिकेट हर कोने में आपको खेलता हुआ मिल जाएगा। दोस्तों चाहे वो कन्याकुमारी हो या कश्मीर या उत्तर में राजस्थान हो या आसाम, भारत में क्रिकेट का जुनून हर इंसान के सिर चढ़कर बोलता है। दोस्तों क्रिकेट में चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई अपने हिसाब से क्रिकेट की अनोखी समझ रखता है और यही इस खेल को भारत ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक अलग मुकाम पहुंचाता है। दोस्तों क्रिकेट में समय समय पर बहुत सारे अनोखे किस्से और कहानियां होती रहती है जिसके कारण कभी कभी क्रिकेटर्स और क्रिकेट कभी बदनाम होता है तो कभी हंसी का पात्र भी बन जाता है। दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो ना केवल एक दो देशों के बीच में खेला जाता है जब बल्कि एक देश के अंदर भी इसमें प्रतियोगिता देखते ही बनती है। दोस्तों क्रिकेट ना केवल आज के समय एक खेल है बल्कि इसे दो देशों के बीच मित्रता संबंध बनाने में भी इसे बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान तो हम सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान का जब भी क्रिकेट मैच होता है तो उसका जो जुनून होता है वो एक अलग ही लेवल पर होता है और इसका जो होता है वो भारत पाकिस्तान के दोनों देश इसे अपने मुकाम पर लेकर खेलते हैं और सारा जुनून उस समय पूरा भारत पाकिस्तान उस मैच में अपनी जीत लगाने के लिए लगा देते हैं। दोस्तों यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट एक अलग ही मुकाम पर है। दोस्तों आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिकेट में ऐसे कौन से किस्से हैं और कहानियां होती हैं जिसके कारण ये क्रिकेट को एक अनूठा खेल बना देती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे पास में बेल आइकन का बटन आ जाएगा, उस पर हिट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई ऐसे अनूठे किस्से कहानियों वाले वीडियो लेकर आऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही एक अनूठे किस्से की। दोस्तों दरअसल ये किस्सा जुड़ा हुआ है वीरेंद्र सहवाग और कोच जॉन राइट से। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग को तो हम सब जानते हैं और उनकी बल्लेबाजी के हम सब कायल है। दोस्तों जब वो ओपनिंग के लिए मैदान पे उतरते थे तो सारा स्टेडियम शोर से सहवाग सहवाग चिल्लाता था क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी की शैली थी बहुत ही आक्रामक थी। दोस्तों आक्रामक ही नहीं बहुत ज्यादा आक्रामक थी क्योंकि वो जब पहली ही गेंद का सामना करते थे तो वो बाउंड्री की ओर जाती हुई नजर आती, चाहे सामने ब्रैडली हो या शोएब अख्तर। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग अपने अनूठे अंदाज में सारे बोलरों की पिटाई इस तरीके से करते थे कि मैच का रुख कुछ ही ओवर में इधर से उधर कर देते थे। दोस्तों यही कारण है कि वीरेंद्र सहवाग का भारतीय क्रिकेट में जो योगदान है वो एक अलग ही किस्म का है। दोस्तों
इसी के कारण वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब भी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन ये किस्सा जुड़ा हुआ है वीरेंद्र सहवाग से। दरअसल दोस्तों इसी आक्रामक शैली के कारण वीरेंद्र सहवाग कई बार ज़्यादा रिस्क ले लेते थे और बहुत से बार वो ख़राब शॉट खेलकर आउट हो जाते थे। तो दोस्तों कभी कभार मैच इस स्थिति गंभीर स्थिति में होता था कि उन्हें परिस्थिति के अनुरूप खेलना होता था, लेकिन सहवाग तो सहवाग थे, वो अपनी शैली में बदलाव नहीं करना चाहते थे दोस्तों। यही कारण रहा जब 2002 में एक ट्रॉफी के दौरान वीरेंद्र सहवाग एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए थे और जब वो पेवेलियन की तरफ आ रहे थे तो कोच जॉन राइड उनसे बहुत गुस्सा थे। वो पहले से ही वीरेंद्र सहवाग के इस तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट होने से बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी वीरेंद्र सहवाग समझ नहीं रहे थे। तो दोस्तों इस मैच में जैसे ही वीरेंद्र सहवाग खराब शॉट खेलकर आउट हुए तो जब वो पेवेलियन की तरफ लौट रहे थे तब जॉन राइट का गुस्सा सातवें आसमान पर था और दोस्तों जॉन राइट धड़धड़ाते हुए सीधे ड्रेसिंग रूम में आ धमके और आते ही सहवाग का कॉलर पकड़कर उन्हें झकझोरते हुए उन पर खूब बरस पड़े और उन पर चिल्लाए कि आखिर तुम कब आ जाओगे। दोस्तों ये एक ऐसा किस्सा था जिसने अगले ही दिन मीडिया में बहुत सारी सुर्खियां बटोरी और सारे दिन पूरे मीडिया में सहवाग और कोच जॉन राइट का यही किस्सा चल रहा था। तो दोस्तों ये था एक ऐसा अनूठा किस्सा कि कैसे कोच जॉन राइट ने वीरेंद्र सहवाग के आउट होने पर ड्रेसिंग रूम में जाते ही उनका गला पकड़ लिया और सारी टीम के सामने उन पर बरस पड़े। तो दोस्तों किस्सा आपको कैसा लगा? अगर आपको ये किस्सा पहले से पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ऐसे ही किस्से अगर और सुनने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही अनूठे और नई जानकारियों के साथ में आपके सामने मैं प्रस्तुत होता रहूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।